गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस का दूसरा पार्ट जिसमें आज दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। इन्फिनिटिव का यूज़ करके किस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इज एक्चुअली द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफन प्रेसिडेड बाय टू। ये हिंदी में इसको समझें कि वर्ब की बेस फॉर्म से पहले हम टू लगा दें तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टू गो, टू फाइंड, टू मीट, टू रीड, टू राइट, टू लुक, दीज ऑल आर कॉल्ड इन्फिनिटिव। इनको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म गो, इससे पहले आ गया टू, टू गो, ये हो गया इन्फिनिटिव, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इन्फिनिटिव क्या क्या काम करता है। देखिए, इन्फिनिटिव कभी तो इट मे बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, मे बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। सो इन्फिनिटिव एक्ट्स इन मैनी टाइप्स इन अ सेंटेंस। हम इन्फिनिटिव का यूज अपने सेंटेंस में कई जगह कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं, इसमें हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन्फिनिटिव कितने प्रकार के बनते हैं। देखिए, सिंपल इन्फिनिटिव बनता है, सिंपल इन्फिनिटिव कहीं परफेक्ट इन्फिनिटिव बनता है, परफेक्ट, ठीक। एक बेयर इन्फिनिटिव भी होता है, बेयर इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव में क्या होता है, हम टू लगा देते हैं वर्ब की बेस फॉर्म से पहले, जैसे टू गो, टू रीड। परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या होता है, हम टू लगाते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं, और यहाँ बेस फॉर्म नहीं आती इसके बाद, इसके बाद आती है आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव बन जाता है हमारा। कई बार इसका प्रयोग हम पैसिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है, तो उसमें टू बी और टू हैव बीन का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव एक्चुअली इन्फिनिटिव विदाउट टू को बोलते हैं। इसमें क्या है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में जिसमें जिसके बाद हम टू नहीं लगाते और वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। तो ऐसे इन्फिनिटिव को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम टू नहीं लगाते हैं। टू किसी वर्ब की बेस फॉर्म से लगाने से इन्फिनिटिव तो बन जाता है, पर नेसेसरी नहीं है उसके लिए ये। तो कभी हम बोलते हैं I bade him go. I, देखिए, I help him do his work. अब देखिए, इसके बाद हमने टू लगाया नहीं, तो ये वर्ब है help. Help के बाद हमने do लगाया, इससे पहले टू नहीं लगाया, तो इसी को कहते हैं हम बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है।
यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू। वैसे आई हेल्प हिम टू डू हिज वर्क होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिससे पहले हम टू नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है जिसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अब देखिए इससे हम सिंपल सेंटेंस बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। जैसे कल बताया था फर्स्ट पार्ट में कि पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना, इसमें हम इन्फिनिटिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस का यूज़ करके, इन्फिनिटिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे आई हैव सम ड्यूटीज़, हम एक सेंटेंस लेते हैं आई हैव सम ड्यूटीज, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस लेते हैं आई मस्ट परफॉर्म देम, आई मस्ट परफॉर्म देम, ठीक है। अब देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस हैं, वी हैव टू सिंपल सेंटेंसेस हियर, सब्जेक्ट कल बताया था सेम है, तो हम पार्टिसिपल का यूज करके भी बना सकते हैं और इन्फिनिटिव का, तो हम इसमें इन्फिनिटिव का यूज करके बनाएंगे। आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम, मेरे पास कुछ ड्यूटीज हैं मुझे उन्हें करना है, ठीक है। तो ये आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम बन जाएगा, यहां टू लगा देंगे, ये बेस फॉर्म है, इससे पहले टू लगा देंगे, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, ये बन गया आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, बेस फॉर्म से पहले हमने टू लगा दिया, इन्फिनिटिव हमारा बन गया, सिंपल सेंटेंस। अब दूसरा कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे लिखो ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, ठीक। और दूसरा सेंटेंस इसका लिखते हैं ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन, दो सेंटेंस हैं हमारे पास, दो सेंटेंस हैं सिंपल में, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, ठीक। तो अब आप इसको इन्फिनिटिव का यूज करके कैसे बनाएंगे, देखिए वेरी जब होता है यहां तो इसको हम एडवर्ब इसको चेंज कर देते हैं, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ही इज टू फैट, बहुत ज्यादा मोटा है ना, वेरी फैट मीन्स टू फैट, तो क्या नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकता, टू रन बन गया, ही इज वेरी फैट टू रन। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन, ये ले लेते हैं, ही वॉन्टेड टू एजुकेट एजुकेट हिज सन। सेकेंड सेंटेंस हम लेते हैं ही सेंट हिम टू यूरोप, ही सेंट हिम टू यूरोप, अब इसको इन्फिनिटिव का यूज करके कैसे बनाएंगे, ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू यूरोप,
अब देखिए परफेक्ट वाला इन्फिनिटिव हमने उसमें बताया था, एक्टिव में किस तरीके से हम उसको पैसिव कर देते हैं इन्फिनिटिव को। ही सेंट हिज सन, ठीक है, ही सेंट हिज सन क्या करने के लिए? अब इसी का तो हम इन्फिनिटिव बनाएंगे, क्या करने के लिए, कहाँ भेजा उसे? टू यूरोप, यूरोप भेजा ना। अब देखिए टू एजुकेट और लेडी हो रहा है, किए जाने के लिए, इसका हिंदी में ये अर्थ निकलता है, तो हम क्या करेंगे, टू बी एजुकेटेड, ठीक है, ये पैसे बना दिया हमने, टू बी एजुकेटेड। इस तरीके से हमने ये सिंपल सेंटेंस बना दिया इन्फिनिटिव का यूज करके, ठीक है। तो इसमें हमने कौन सा बनाया, पैसिव, टू के बाद बी लगाया और बी के बाद फिर हम उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव में। तो इस तरीके से हमने ये सिंपल सेंटेंस बना लिए। चलिए कुछ और सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्या करके, इन्फिनिटिव का यूज करके, ठीक है। इन्फिनिटिव हमने बता दिया क्या होता है इन्फिनिटिव। अब कुछ और एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करके और कैसे हम बना सकते हैं। जैसे सपोज वी मस्ट हेल्प द पुअर, ठीक, एक सेंटेंस हो गया, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी, वी मस्ट हेल्प द पुअर, इट इज आवर ड्यूटी, ठीक है। अब देखिए इसको लीजिए, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है, क्या है हमारी ड्यूटी, इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा टू हेल्प द, टू हेल्प द पुअर, ये बन गया इंपरेटिव, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, ठीक है। इस तरीके से टुडे वी लर्न्ड हाउ टू यूज इन्फिनिटिव टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंपल वन, इट इज वेरी सिंपल। आई एम रिपीटिंग नाउ व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इज एक्चुअली द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रसीडेड बाय टू, विदाउट टू भी इन्फिनिटिव बनता है, बट मोस्ट ऑफ द इन्फिनिटिव्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो हम सिंपल सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम और कितने प्रकार से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब my channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you very much.